राजधानी लखनऊ में अब विधायक का घर भी सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर से बीजेपी विधायक के घर का ताला तोड़कर चोरों ने 1.25 लाख नकद और 2 घड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित इस बहुमंजिला इमारत में सोमवार शाम अचानक पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई। पुलिस के सिपाही और आला अफसर फ्लैट नंबर 901 में मौजूद थे। दरअसल ये फ्लैट लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का है और फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने 1.25 लाख रुपए नगद और 2 कीमती घड़ी उड़ा ली। लखीमपुर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के घर पर विधायक आवास बघंडी 901 में चोरी हुई है और इस समय हम उस घर में मौजूद हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं कि विधायक भी मौजूद हैं, यहां पर पुलिस भी मौजूद है। हम अंदर वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं जिस रूम में विधायक जी का ये रूम है, और यहां आप देख सकते हैं कि उनकी जो अलमारी थी इसमें कुछ कीमती सामान रखा हुआ था, कुछ कैश रखा हुआ था। इसको आप देख सकते हैं कि ये जो अलमारी है इसमें जो लॉकर है इसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद इसमें से कैश निकाला गया और जो कीमती सामान था इस अलमारी में उसको यहाँ से ले जाया गया। सोमवार शाम विधायक फ्लैट में पहुंचे तो टूटा ताला देखकर उनके होश उड़ गए। मैं आज वापस आया अपने उसमें कार्यक्रम में, और कार्यक्रम के बाद जब आवास पे आया अपने बहुखंडी ब्लॉक 901 में तो पता चला कि ताला टूटा हुआ एक मेज पे रखा हुआ था, एक टेबल के ऊपर। जब अंदर एंट्री किया तो उसके अंदर लॉकर और सेफ टूटी हुई थी। क्या क्या ले गए? 2 घड़ियां थी और पैसा था, कैश कुछ लगभग 1,26,000। बहुखंडी आवास के ब्लॉक में फ्लैट नंबर 901 में योगेश वर्मा का फ्लैट है। चंद कदम की दूरी पर ही डीजेपी का ऑफिस भी है जहां 24 घंटे पुलिस और पीएसी का पहरा रहता है। बावजूद इसके चोरों ने विधायक की आवास को निशाना बनाया, जो हैरान करने वाली बात है। पूछताछ कार्यालय है यहां पर एक बनाया, राज संपत्ति विभाग का ये कार्यालय है और यहां पर बाकायदा यहाँ पर रजिस्टर भी है जिसमें ये एंट्री की जाती है कि कौन लोग यहाँ आए और कौन गए। सभी जो एंट्री है वो यहाँ रहती है और जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी यहाँ पर घटना हो जाती है, एक विधायक के घर में फ्लैट में चोरी हो जाती है। तो वहीं कांग्रेस ने इस घटना के बाद प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला किया। अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, सरकार नाम की चीज नहीं है। आखिर कब तक ये ढोंग करेंगे? योगी जी नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज अगर जनप्रतिनिधियों के साथ डकैती और हत्याएं होंगी, पत्रकारों की हत्या होगी, वकीलों की हत्या होगी, आखिर सरकार कहाँ है? राजधानी के पौश इलाके में सत्ताधारी दल के विधायक का घर जब सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की आम जनता कितनी सुरक्षित है इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ विनीत दुबे, न्यूज़ एशिया, लखनऊ।